बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल विजडम। इसको हम आम अल्फाज में कहें तो ज़रूर मिसाल, ठीक है, जो ज़रूर मिसाल होते हैं, जैसा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ज़रूर मिसाल है कि जो जान है तो जहाँ है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और बहुत सारे कल्चर्स में इससे रिलेटेड आपको, हेल्थ से रिलेटेड आपको जो है ऐसी वर्ड मिल जाएंगी, प्रोवर्ब्स मिल जाएंगे। तो कल्चरल विजडम क्या होता है कि एक थॉट है ना हमारी कि हेल्थ इज़ वेल्थ है, राइट। एक बिलीव है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और ट्रेडिशन को समझिए डिस्क्राइब करता है, उसको जाहिर करता है, शो करता है, पोर्ट्रे करता है, ठीक है। अब जैसा कि कहा जाता है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, कि तुम जैसा बीज बोओगे तुम्हें वैसी फसल मिलेगी, या जो बोओगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो ये एक हमारी थॉट है, बिलीव है, ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और ट्रेडिशन को जाहिर कर रहा है ना कि हमारे ट्रेडिशन कैसे हैं, हमारी सोसाइटी कैसी है। तो इसको हम कल्चरल विजडम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये जो है एक एंशंट और डीपली एम्बेडेड कॉन्सेप्ट है, और ये जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।